हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस. दिस इज़ अवर अभिपीडिया चैनल विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड वी आर ब्रिंगिंग यू विद दिस वेरी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ योर दिस ईयर्स प्रीलिम. नो नीडलेस टू से इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट पेपर एंड ऑल ऑफ यू आई थिंक विल एक्सेप्ट इट दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर. बट एज आई यूजली से दैट देर इज़ नथिंग कॉल्ड ईजी और डिफिकल्ट इन यूपीएससी. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव. सो इफ़ समबडी इज़ थिंकिंग दैट कि भाई पेपर बहुत मुश्किल था और मेरा तो होगा नहीं, तो ऐसा ना सोचा जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिलेटिव इन यूपीएससी. इफ़ इट्स अ डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑल, एंड इफ़ इट इज़ ईजी फॉर ऑल. इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट, मेरिट विल कम डाउन, एंड इफ़ इट इज़ ईजी, मेरिट विल गो अप. डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट अ कट ऑफ 95 to 100 ओनली, नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट. एज पर द लास्ट 4 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, आप 95, 96, 97 तक की कट ऑफ को देख रहे हो. इससे ज़्यादा कट ऑफ इस पेपर में आने वाली बिल्कुल नहीं है, राइट? तो हमने इस पेपर का एक टेक्निकल एनालिसिस किया है एंड वी हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो कुछ फैक्ट्स आपको लेके आए हैं हम, जिससे आपको पेपर की समझ डेवलप होगी, राइट? एंड ये सारा जो मैं आपको पीडीएफ, जो ये पीपीटी दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ नीचे लिंक में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड आंसर की, जो मेन्यू की आंसर की है, फर्स्ट आंसर की है, वो भी नीचे उसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? डेफिनेटली आपको जैसे मालूम है, मतलब देर मे बी रिविजन इन आंसर की. दिस इज फर्स्ट आंसर की विच इज कमिंग. सो देर मे बी रिविजन इन द आंसर की एंड वी विल बी अपडेटिंग द आंसर की इफ रिक्वायर्ड इन द इवनिंग ऑल्सो एंड विल बी अपडेटिंग टुमारो ऑल्सो. एंड बाय टुमारो आई थिंक एवरी क्वेश्चन शुड बी सेटल डाउन, ठीक है ना? सिर्फ 5-7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट की संभावना है, अदरवाइज बाकी सारे क्लियर ही हैं, ठीक है? सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वी विल सी कि क्या बेसिकली देखा जाए तो कितने सेक्शंस में से कितने क्वेश्चन आए, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी में से 19 क्वेश्चन आए हैं, देन एनवायरनमेंट में से 12 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी में से 18 क्वेश्चन आए हैं, एंशियंट मिडिवल में से 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल के हैं, ज्योग्राफी में से 17 क्वेश्चन आए हैं, जनरल साइंस में से 1 आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से 12 आए हैं, एंड देन इंटरनेशनल अफेयर्स में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं और इंडियन कल्चर में से 3 क्वेश्चन हैं. तो दिस इज द वेटेज ऑफ दिस ईयर्स प्रीलिम पेपर एंड दिस वेटेजेस सी आर फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर, है ना? यू कैन नॉट ड्रॉ अ जनरल पैटर्न आउट ऑफ दिस वेटेजेस, बिकॉज इफ यू सी 2019 पेपर, इट वॉज हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट वेटेज स्ट्रक्चर, एंड 2018 वॉज हैविंग अ डिफरेंट वेटेज स्ट्रक्चर, राइट? बट व्हाइल वी एनालाइज डिफरेंट ईयर्स ऑफ पेपर, वॉट वी गेट इज वी गेट द ग्राफ्स ऑन द विड्थ ऑफ यूपीएससी, कि क्या क्या यूपीएससी हमारे साथ कर सकती है, ठीक है ना? अदरवाइज इतना मैं आपको अश्योर कर दूं कि बेसिकली कुछ भी सब कुछ रिलेटिव है यूपीएससी में. अगर ये पेपर ऐसा आया है, कई लोग डिजेक्टेड होंगे कि अरे कैसा पेपर आ गया, मुझे तो कुछ आता नहीं था, मैंने क्या पढ़ने का फ़ायदा, मेरा एक साल मैंने लगाया तैयारी में, कोई फ़ायदा नहीं. ऐसा नहीं है. व्हेन वी प्रिपेयर, देन वी प्रिपेयर फ्रॉम ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यूपीएससी इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसकी फुल फॉर्म ही अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है. जो लोग तैयारी करते हैं दे कैन वेरी वेल अप्रिशिएट दिस थिंग कि वाई इट इज कॉल्ड अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये आज खास नमूना है आज का पेपर, विच यूपीएससी हैज अगेन प्रूव्ड दैट इट इज अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना? तो जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आगे एनालाइज करूंगा कि हाँ क्या क्या चेंजेस हैं इस पेपर के अंदर, क्या खास चीजें हैं जो आप आगे तैयारी करेंगे तो यू शुड टेक इन टू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग फर्दर, कि हाँ ऐसा भी आ सकता है पेपर में, ठीक है? अब ये तो चलो वेटेजेस हैं, ये तो जो फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो फैक्ट है बिल्कुल कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन हर सेक्शन में से आए हैं. इस पीपीटी में आगे हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज सारे ये 19 के 19 क्वेश्चन इकोनॉमी के अलग निकाल दिए हैं. इसमें सबके आंसर की इसमें अगर कोई एनालिसिस में वेरिएशन होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है, एक आधे क्वेश्चन का वेरिएशन होगा कि मैं उसको इकोनॉमी में रख रहा हूँ, कोई उसको पॉलिटी में रख रहा है ना, या कोई क्वेश्चन मैं साइंस एंड टेक में रख रहा हूँ तो वो ज्योग्राफी के पार्ट में रख रहा है कोई साइंस एंड टेक का. तो ऐसे एक दो क्वेश्चन की आगे पीछे वेरिएशन संभव है, इससे ज़्यादा कुछ संभव नहीं है, राइट? लेकिन अगर इस पेपर को मैं क्वालिटेटिवली एनालाइज करूँ तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या बातें हैं. सबसे स्ट्राइकिंग बात है ज्योग्राफी की. जो ज्योग्राफी का आया है पेपर, ठीक है ना, ज्योग्राफी पे आपके 17 क्वेश्चन हैं, 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उस 17 में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉन कन्वेंशनल ज्योग्राफी से हैं, कि जो नॉर्मली हम तैयार नहीं करते, उस तरह के क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन 17 में से.
ठीक है ना। अगर टिपिकली मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन देखूं तो सिर्फ तीन क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऐसे हैं जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जो हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में से या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से। बाकी 14 क्वेश्चन जो है वो नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ये हमें आगे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और इसकी झलक जो है प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ रही थी, 19 में भी आ रही थी, 18 में भी आ रही थी, कि कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी नॉन कन्वेंशनल से पूछ रही है। अब क्या नॉन कन्वेंशनल है इसके अंदर? अब ज्योग्राफी का अगर पेपर देखें आप तो ज्योग्राफी के अंदर 9 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में से आए हैं, 9 क्वेश्चन, इट इज सो सरप्राइजिंग, 9 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में से आए हैं। एंड वो 9 क्वेश्चनों में से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन बिलोंग टू एग्रोनॉमी, जो ऐसा नहीं है सिर्फ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे या सिर्फ क्रॉप की कंडीशंस पे मोटे क्वेश्चन आ गए, क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या वो चाहिए, इट्स अ टिपिकल एग्रोनॉमिक क्वेश्चंस, राइट, एग्रोनॉमिक क्वेश्चन है। तो आपको और 3 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी सेक्शंस में से भी 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आए हैं। तो 12 क्वेश्चन माने रखता है, एक तरह से अपने आप में अलग सब्जेक्ट बन के आ रहा है ये ज्योग्राफी, सो एग्रीकल्चर। ऑल्दो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हम बहुत डिटेल में करते हैं, ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर पे एम्फोसिस है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तैयारी की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा इसमें, है ना। अब पेपर में तो आ गया है, यूपीएससी ने कह दिया कि मैं ये पूछ सकती हूँ, तो आप जब आप तैयारी करो आगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब ये भी क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं आपके चाहने या ना चाहने से, आप इसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, इट इज वेरी क्लियर। तो 12 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से आना मतलब एक फिनोमिनल चेंज है, एक नया सब्जेक्ट एक तरह से आपके जनरल स्टडीज में उभर के आया जो मल्टीडिसिप्लिनरी है। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी इकोनॉमी में भी है, सॉरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी है, और एग्रीकल्चर अब पॉलिसी भी है, अब फॉर्म लेजिस्लेशन आए हैं, सब कुछ आया है, तो ये ज्योग्राफी अब एग्रीकल्चर अब पॉलिटी का पार्ट भी बन गई। अब एग्रीकल्चर में आपका एनवायरमेंट का एंगल भी आएगा, तो एक तरह से एग्रीकल्चर आपका एक अलग से सब्जेक्ट बन के निकल के आ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को ध्यान से समझना पड़ेगा कि अब मुझे कैसे इसको एग्रीकल्चर को टैकल करना है। अब वो कैजुअली जैसे हम एग्रीकल्चर को टैकल करते थे वैसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं आगे जब आपको एक ब्रॉडली यात्रा कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर का टिपिकली आया हुआ है। अब उसके बाद सेकेंड स्ट्राइकिंग चीज़ है आपकी कि बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ, इसके ऊपर 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्दो एनवायरनमेंट पे पहले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले टिपिकल थोड़े से इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड पे आ गया, इस पे आ गया, है ना, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी पे आ गया, है ना, या और जो इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस हैं, उसके ऊपर आ गया कुछ, है ना। लेकिन इस बार क्या खास बात है कि अगर 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से आए हैं तो उसमें से 9 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के पूछ लिए, बाकी 3 क्वेश्चन पोल्यूशन वाले एरिया से आते हैं, बस दो ही टॉपिक पे पूछे हैं उन्होंने, है ना, दो टॉपिक पे ज्यादा पूछे हैं आपने, तो अपना बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब ये अगेन ये तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ ऑफ क्वेश्चन देखें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हमें अब आगे आने वाले टाइम में चीजों को थोड़ा डीप देखना और पड़ेगा, है ना, को टीप देख, कोई आप जो न्यूज है रिगार्डिंग नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब जो ऐसी न्यूज है, कोई भी आप न्यूज अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ने की, इफ यू सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पेपर। आपको जो न्यूज बड़ी इररिलेवेंट लग सकती है, आप ध्यान रखिए इस बात को मेरी, नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि जो न्यूज आपको लगता है ये वाइल्ड लाइफ पे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे भाई, वही आई हुई है। तो मतलब आप वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सबको प्रॉपरली ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चाहे अगली बार पूछे ना पूछे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अब इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन देखें तो इंडियन इकोनॉमी में एक छोटा सा बैलेंस है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन इस बार जो इंडियन इकोनॉमी में जो एक्सटर्नल सेक्टर है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपके ट्रिम्स पे क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। तो एक्सटर्नल सेक्टर पे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इकोनॉमी के कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अप्लाइड फॉर्म्स में है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी पे एज यूजुअल एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, फाइनेंशियल सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी है उस पर कम क्वेश्चन नहीं दिखता, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कम क्वेश्चन है, कोई इंडिसेस पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। जस्ट अगर मैं उसको मान लूं कि जो इन्फ्लेशन पे 2 क्वेश्चन आए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल्स प्राइस इंडेक्स, एक क्वेश्चन उस पर आया है,
अदरवाइज जो जनरल इंडिसेस पे आते थे क्वेश्चन, कोई डेवलपमेंट इंडिकेटर आ गया या कोई बहुत सारे ऐसे हैप्पीनेस इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, कितने सारे इंडेक्सेस हर साल आते हैं, तो उस पर एक भी क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा, ठीक है। तो ये तीन ग्लेयरिंग आपकी चीज़ें हैं जो 26 क्वेश्चनों के करीब इसकी वेटेज है पेपर में 100 में से, जो कम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा मैं देखूं कि अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ज्योग्राफी, जो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। एट द सेम टाइम आप अगर एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री देखें, आप कल्चर देखें, है ना, आपका मतलब माथा ठनक जाएगा कि भाई ये कैसे होगा, है ना। मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को रेफरेंस लें और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि दे आर प्रिटी डिफिकल्ट। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जैसे आप करते रहें वैसे ही करते रहें, इससे आगे जाएंगे तो खाई में कूदने वाली बात है। हाँ, डेफिनेटली एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्टेबल हैं, लेकिन एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट हैं। अगर उनको रेफरेंस लेकर तैयारी कर जाए तो हमें टेक्स्ट बहुत बढ़ाना पड़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी देखिए, मुश्किल क्वेश्चन है तो सबके लिए मुश्किल है, तो वो उतनी मेरिट नीचे चली जाएगी, तो इट डजंट मैटर। जो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर को बहुत बढ़ा देते हैं उनको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। दिस इज एक्सपर्ट एडवाइस, दिस एडवाइस आई एम गिविंग यू विद ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। बाकी आपकी मर्जी है आप कैसा करते हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन देख के या कल्चर के क्वेश्चन देख के आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये टेक्स्ट पढ़ूंगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो मैं यही पढ़ूंगा। नो, नॉट एट ऑल। जो पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते रहिए, उसमें से अगली बार आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो नमस्कार, राइट। अब देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने एंटायर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के, जनरल साइंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, जनरल साइंस में से एक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ प्लांट एंड एनिमल सेल की कंपैरिजन पे एक क्वेश्चन पूछा डिफरेंस पे, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना फिजिक्स में से ना केमिस्ट्री में से, और पूरी बायोलॉजी छोड़ दी। ऑल्दो लास्ट ईयर से ट्रेंड थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, जनरल साइंस पे एम्फोसिस कम है, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन पिछले, आप देखिए पिछले अगर 4-5 साल में एवरेजिंग लगाऊं तो 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री से भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही सब साफ कर दिया, ठीक है ना। आप कहो जी केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, कोई कहे ठीक है मान सकते हैं, वो फर्टिलाइजर पे अगर कुछ पूछ लिया तो वो केमिस्ट्री का बन सकता है, लेकिन हम करते तो उसको एग्रीकल्चर में ही है भाई, केमिस्ट्री में आप एग्रीकल्चर नहीं करते जनरली, बाकी कोई करता है तो कोई फार्म नहीं है, लेकिन वो बहुत ही एक नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा उठ गया। अब साइंस की साथ में बात करूं मैं यहां पे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 10 क्वेश्चन है, 9 या 10 क्वेश्चन आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, आप लगाइए 12 क्वेश्चन आए हैं, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 12 क्वेश्चन आए हैं, स्पेस पे भी क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियर पे भी आया है, देन नैनो टेक्नोलॉजी पे, नैनो ट्यूब्स पे क्वेश्चन आ गया एक, तो ऐसे ऐसे बिखार के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, और बड़े ही अप्लाइड से क्वेश्चन है, है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है, डेवलपमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नॉन अटेम्प्टेबल है। अगर अच्छी तैयारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक एरिया ऐसा है जो आप फोकस एरिया आपका आगे बन के उभर रहा है, अदरवाइज पहले हम क्या करते थे, जनरल साइंस पे टाइम लगाया आपने पूरा, तो साइंस एंड टेक हम मानते थे कि ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्री में 2-3 आते हैं, लेकिन अपने से 2-3 सालों से ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि साइंस एंड टेक प्री का मेन एरिया बन के उभर रहा है, और जनरल साइंस का जो इंपॉर्टेंस है वो नीचे जा रहा है ना। तो थोड़ा सा जब आप फोकस लाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, एक एम्फोसिस लाएंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सारे जो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे स्पेस है, चाहे न्यूक्लियर साइंस है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे डिफेंस है, चाहे हेल्थ है ना, आपको ये अच्छे से करनी ही पड़ेगी। मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं, प्री में भी आ सकते हैं, और 12 क्वेश्चन कोई कम नहीं होते, जिस बच्चे ने अच्छे से किया है 12 के 12 फोड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए पॉलिटी, ये बिल्कुल ही रिवर्सल कर दिया, पिछले 4 साल देखें तो पॉलिटी के हमेशा क्वेश्चन बड़े टेढ़े आते हैं, मतलब बहुत टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिखते आसान है, भोले भाले से दिखते हैं, लेकिन जब पढ़ने लगो तो बड़े ही छात्र निकलते हैं अंदर से, और जरा सा धोखा गलती हो जाए धोखा दे जाते हैं फिर वो। लेकिन इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन सिंपल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपकी अच्छी समझ है आप कर लोगे। देखने वाली एक और बात भी है यहाँ पे, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉन कन्वेंशनल से पूछे हैं, ऑल्दो पहले लास्ट ईयर भी थे ऐसे,
मैं दिखाऊंगा आपको कि थोड़े नॉन कन्वेंशनल से पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्यूरोक्रेसी पे पूछ लिया है ना, अपनी नेशनल लीगल लिटरेसी पे पूछ लिया, लीगल सर्विसेज के ऊपर पूछ लिया, लीगल सर्विसेज एक्ट के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन एक। अब ये थोड़े से ऑफ बीट क्वेश्चन आ जाते हैं है ना, वेलफेयर स्टेट पे पूछ लिया, तो माला ये मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन पर। तो पॉलिटी एज अ होल आपका स्कोरिंग पार्ट था, जिसका पॉलिटी स्ट्रांग है वो प्लस एसएनटी प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ये चार सेक्शन ऐसे थे जो आपको पेपर क्लियर कराने में सक्षम थे। ज्योग्राफी खत्म, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री के भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं थे, मतलब एक आधा ही हाथ में लग रहा था। तो ये तीन सेक्शन ने खत्म कर दिया, बाकी जो सेक्शन है ज्योग्राफी सॉरी अपना इकोनॉमी पॉलिटी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है ना, और एसएनटी, ये चार सेक्शन ऐसे हैं जो 60 से 70 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, चार सेक्शनों में से, जो आपको प्री के लिए इनके जिनके इन सेक्शंस में ठीक हुए हैं क्वेश्चन, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्री होगा पक्का, ठीक है ना। और ग्लेयरिंग बात इस पेपर में रही है कि एक भी क्वेश्चन इंडिसेस पे नहीं है, एक भी क्वेश्चन रिपोर्ट पे नहीं आया, कोई गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन नहीं आया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन हैं एक क्वेश्चन नहीं आया, यूएनओ यूनिसेफ फलाना ढिमक्का डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें। तो पूरा पेपर ही मतलब, नहीं तो एक आधा क्वेश्चन इंडिसेस पे आता ही आता है, हमेशा रिपोर्ट्स पे आता है, स्कीम्स पे आता है, स्कीम्स पे दो तीन क्वेश्चन आते हैं। अब पिछला पेपर भी उठा के देखो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब साफ कर दिया। तो बिल्कुल ही ऑफ बीट पेपर था ये, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का पेपर था, डिफरेंट टेस्ट था इसका बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, रिजल्ट पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इट इज रिलेटिव। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना पेपर एनालाइज कीजिए कि हाँ मेरे पेपर में कितने ठीक हुए, मेरे कितने गलत हुए। विनर वही होगा जिसने गलतियां कम करी हैं, जिसने आता था क्वेश्चन गलत नहीं किया, क्योंकि जो नहीं आता था वो तो बिल्कुल ही नहीं आता था, ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, जो आते जाते थे, आसान क्वेश्चन थे या अटेम्प्टेबल थे, जिन लोगों ने उसको गलत कर दिया वो डिसएडवांटेज में है। जिन्होंने माथा ठंडा रखा अपना पेपर में और चुपचाप करते चले गए कि हाँ ये मुझे आता है कर दिया, ये नहीं आता छोड़ दिया, ठीक है भाई, वो पक्का सिलेक्ट होंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पेपर ठंडे दिमाग से एनालाइज कीजिए, कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं देखते हैं, अगले 4-5-6 दिनों में मेरिट पता लगेगी, अंदाजे निकलेंगे कि हाँ कट ऑफ कितनी जाएगी, 95 जाएगी, 96 जाएगी, 97 जाएगी, 90 जाएगी, 95 जाएगी, धीरे धीरे देखेंगे इसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका इस साल के पेपर का एनालिसिस है। और देखिए ध्यान से, मैं ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने, आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, एक एक क्वेश्चन को देखिए, किसी की बातों में मत जाइए, डोंट बी मिसगाइडेड बाय एनीबडी। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है जो टिपिकल हम कह सकते हैं करंट अफेयर पे हैं, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन। मैं अभी आपको 100 क्वेश्चनों की 5 मिनट के अंदर यात्रा कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ ये कौन सा करंट में से बताइए। सो आपको अपनी तैयारी में बैलेंस रखना, और कन्वेंशनल स्टैटिक नहीं आया ना, करंट आया, कहीं और से क्वेश्चन बीच में से आ गए देखा जाए तो। मैं नॉन कन्वेंशनल स्टैटिक पेपर था ये, दिस पेपर वाज अ नॉन कन्वेंशनल स्टैटिक पेपर विच वाज अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, आपकी नर्व्स, आपकी टेम्परमेंट, आपकी समझ और आपकी पेशेंस का टेस्ट था पेपर ये। अदरवाइज किसी भी बच्चे के लिए इस पेपर में बैठ के अटेम्प्ट करना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि यार मैंने क्या तैयारी करी 2 साल और ये क्या पेपर आ रहा है। बट अगेन मैं फिर बात कहूंगा, सेम यूपीएससी में सब कुछ रिलेटिव है, यही तैयारी है। वो जो 2 साल की आपने तैयारी करी उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया उस चेयर पे बैठने का जाके, उस तैयारी ने आपको समझ दी कि यूपीएससी रिलेटिव है और आपको पेपर ध्यान से करना है बस, ठीक है जी। अब छोटी सी यात्रा करेंगे, ठीक है ना। देखिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे लेक्चर है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। सेकंड, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंडियन इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर किसने तैयारी करी है, स्टैटिक क्वेश्चन है, कोई करंट वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये तो हम करते ही हैं। टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये अब हम करते ही हैं, ये स्टैटिक मान लीजिए, थोड़ा बहुत करंट का एंगल मानना है तो मान लो, अदरवाइज कोई भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उस पर न्यूज तो आएंगी, अब कहो ये करंट का है, पर ये क्वेश्चन तो करंट का नहीं है भाई। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन, ये बेंजीन पॉल्यूशन पे क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन है स्टैटिक,
फिर आपका आ गया प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हम ज्योग्राफी में करते हैं और अपना ज्योग्राफी में लोकेशन की फॉर्म में करते हैं कावेरी बेसिन को, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम नेशनल पार्क करते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज डाइवर्स बर्ड सीलोन फॉरमोथ कॉपस एंड बर्ड एंड ग्रे, अब दिस इज बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ के ऊपर। प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियाज फैम डियर, कान्हा नेशनल पार्क। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, ये आंसर ठीक नहीं है, आंसर ना देखें आप, ये तो जस्ट एक स्कैन किया हुआ है, आंसर की अलग से लगाई हुई है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ये कलर, ये क्या करंट का है क्या, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, अब इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। अब देखो भाई क्या है ये, क्या करोगे इसका, अब ये नॉन कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है। अब ये आपको, आपने कभी पढ़ते पढ़ते आपको टक्कर गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन करंट का हो सकता है कि हाँ कोई करंट में न्यूज आई हो, ऐसा कोई कह सकता है। ये आपका कोल ऐश के ऊपर है, कोल फायर्ड पावर प्लांट, हाई ऐश कंटेंट, स्टैटिक क्वेश्चन है, करते ही हैं ये तो हम। अब साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी स्टैटिक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स का IAEA सेफगार्ड्स है, अब ये कोई करंट का इसका कोई लेना देना नहीं, तो करते ही हम जब न्यूक्लियर साइंस करते हैं तो। ये पुराने आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ये भी जब हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स करते हैं साइंस एंड टेक का, ये सारे आते हैं, एलमाटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, ये सारे आते हैं। तो इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नैनो ट्यूब्स पे क्वेश्चन आया हुआ एक, देन ये पेस्टिसाइड्स पे मिसलेनियस क्वेश्चन है, ड्रोन्स के ऊपर, ये स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसे डिवाइडेड है पूरे बिल्कुल, ये हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, न्यूमोकोकल्स कॉन्जुगेट वैक्सीन के ऊपर, देन ये आपका डिजिटल आईटी के ऊपर आ गया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, है ना। अब देखिए हर आपके, अब ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे आ गया, हेल्थ पे आ गया, है ना। अब बेसिकली क्या है ये, या इसको बायो टेक्नोलॉजी मान लो या उस पर मान लो, आइडियाज के हर साइंस एंड टेक के चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन आ गया, देखो एक ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी VLC टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आ गया, ये भी स्टैटिक है, करते हैं ये, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये। तो SNT के क्वेश्चन वह आसान, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया, अब ये भी करंट का नहीं है, ये स्टैटिक है, ये ब्लॉकचेन हम करते हैं। अब करंट का क्वेश्चन वो का जो न्यूज में आया ना कुछ। अब सबसे देखिए ज्योग्राफी में देखिए आप, अब ये क्वेश्चन अब हमने ज्योग्राफी में रख लिया है, कोई चाहे इसको साइंस एंड टेक में भी रख सकता है, स्टील स्लैग वाला कि कहाँ यूज होता है ये ट्रांसपोर्ट। हम अपने अभिमन्यु में हम ज्योग्राफी में कराते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट का रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ रख दिया, चलो ठीक है, अदरवाइज कोई चाहे इसको साइंस में भी रख सकता है, मटेरियल्स में, इनोवेटिव मटेरियल्स में, न्यू मटेरियल्स में, जो आजकल ब्लेंडेड मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट जगह पे, तो ये वहाँ पूछ सकते हैं। देन बायोफ्यूल्स पे है, ये रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल्स पे है, अब ये कोई चाहे तो साइंस एंड टेक में भी रख सकता है, लेकिन हमने ज्योग्राफी में रखा है क्योंकि हम इसको ज्योग्राफी में कवर करते हैं इन द चैप्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये एग्रीकल्चर पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं चाहूं तो करंट, जीरो टिलेज की बहुत करंट में न्यूज आई थी, तो जीरो टिलेज को हम करंट का मान सकते हैं, लेकिन क्या ये क्वेश्चन टिपिकली करंट का है जिस वजह से वो न्यूज में आया था, नहीं। अब ये मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन है, मेजर मिनरल्स के ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये देखिए पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, अब ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, कोई इसको करंट का नहीं कह सकता। अब ये देखिए ये आ गया दैट क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल क्रॉप के बारे में पूछा है, कंडीशंस दी हुई हैं, आसान क्वेश्चन है कि कौन सी क्रॉप की बात हो रही है, ये स्टैटिक, कोई करंट नहीं इसमें। अब सोलर वाटर पंप्स पे हम इसको इरीगेशन का क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल करंट का नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। अब ये एक स्टैटिक का है, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये करंट का है। अब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पागल कर देने वाला, ये फर्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पे, एग्रोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन,
केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर क्वेश्चन है, स्टैटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इसको थोड़ा सा आप करंट का मान सकते हैं लेकिन ये नहीं है करंट का। वही बात है ना, जो करंट के क्वेश्चन है वो भी सेमी करंट से ही है, या जो स्टैटिक है वो भी सेमी स्टैटिक से ही है। मतलब अजीब पेपर है, मतलब आप भी खुद पेपर को जब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि यार ये करंट का है या नहीं है। तो अब वो करंट और स्टैटिक की डिस्टिंक्शन जो है ना कहीं वेग से लग रही है। बायोकार इन फार्मिंग स्टैटिक का क्वेश्चन ये, देन ये रिवर, ये कन्वेंशनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ये ओशन मीन टेम्परेचर के ऊपर है और ये सायचिन ग्लेशियर पे है। ये तीन क्वेश्चन जो है ये कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके हो गए, ये जेट स्ट्रीम पे चार क्वेश्चन आपके एक तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चन ज्योग्राफी, जो पूरी ज्योग्राफी आप तैयार करते हो उसमें से सिर्फ चार क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लेकिन करनी तो फिर भी पड़ेगी भाई, तो ऐसा तो है नहीं है कि हम ज्योग्राफी छोड़ देंगे या ज्योग्राफी कम करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, वी हैव टू डू इट, है ना। ऐसे ही कल्चर, कल्चर पे देखिए कितने ही टिपिकल क्वेश्चन कल्चर के तीन हैं, तीनों ही टिपिकल हैं बहुत। कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर दो क्वेश्चन आए हैं, है ना, मतलब आप समझिए कोई आसान नहीं है इसको करना और ये भी क्वेश्चन कोई आसान नहीं था, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है इस पर। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डांस पे पूछ लिया, म्यूजिक पे पूछ लिया, क्राफ्ट पे पूछ लिया, है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बिल्कुल ही टिपिकल से बड़े डीप रूटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं। देन एंशियंट एंड मिडिवल की तो बात ही क्या कहें, आप किसी को आइडिया नहीं क्या है ये। अभी इसमें भी देखिए कितने टिपिकल चीज़ें हैं इसके अंदर, रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ पेयर्स पूछे हैं, प्रेजेंट स्टेट, फेमस प्लेस ऑफ स्टेट, ये तो फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अब ये भी देखिए, हर क्वेश्चन टिपिकल है, बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल से क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि अटेम्प्टेबल है, टिपिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि किंगडम्स पे पूछा गया। ये भी बस वेग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये, मैं सारी पीपीटी मैंने इसके साथ लगा दी है, एंड यू कैन गो थ्रू दिस पीपीटी, है ना, और इसमें आपको सारी डाइवर्सिव बाइफरकेशन मिल जाएगी, है ना। जो इस बार पेपर जिन्होंने दिया उनके लिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट आंसर की है, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि आंसर की में ऑल दो देर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ पेपर, तो हमने आपके लिए आसान कर दिया उसको कि हमने फर्स्ट जो सेंटेंस है क्वेश्चन का टाइप कर दिया, साथ में अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। तो अभी धीरे हम एक दो दिन के अंदर प्रॉपर डिस्कशन लेके आएंगे इस पूरे पेपर की, और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इसका आंसर है और क्या इसके अंदर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको पार्ट्स में करेंगे, हम सेक्शन वाइज हम डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, और एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के उसका एनालिसिस करेंगे कि ये आंसर है इसका, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए थी, आपको अगर नहीं पता था अटेम्प्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, दैट विल गेट अ वेरी गुड क्लू फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन ऑल्सो, कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फर्स्ट एनालिसिस था, नाउ आई शुड गो एंड ये लीगल सर्विसेज के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन जो पॉलिटी में आया हुआ है। ऑल्दो मुश्किल नहीं था क्वेश्चन ये, लेकिन आप देखिए ना कि ऑफ बीट क्वेश्चन, नॉन कन्वेंशनल, पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो जीरो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे आ गया ये, ठीक था क्वेश्चन ये। अब ये विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, इट्स वेरी सिंपल, DPSPs, है ना। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्टेबल थे, थोड़ी सी राहत मिली होगी लोगों को जिनका शुरू में पॉलिटी आ गया, और जिनका शुरू में ही आपका सोचो क्वेश्चन कहीं फंस गए ज्योग्राफी वाले, बस बाप रे। तो आई थिंक सब आप लोगों ने कूल रखा होगा कि यार कोई बात नहीं चलो, है ना। लेकिन जिन लोगों के पॉलिटी पहले आ गए तो दे आर हैप्पी कि ठीक है, अब अच्छा ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान को पेपर आ रहा है, लेकिन जैसे आगे बढ़े तो बम फूटते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वेग आ गया, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, अब ये अब ऑफ बीट क्वेश्चन है देखिए, है ना। अब ये नॉर्मली आप नहीं करते, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म पे जनरल स्टडीज में नॉर्मली नहीं कराया जाता, है ना। ऑप्शनल वाले चेक कर लें, कोई पॉलिटिकल साइंस वाले, सोशियोलॉजी वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरल स्टडीज के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म को हम कंपेयर करें, ना, ठीक है ना।
चलिए, पर आ गया तो हमें इसको अटेम्प्ट जरूरी नहीं होता करना कि सारे ही करने हैं क्वेश्चन। करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी देखिए, अब क्या इसमें क्वेश्चन है? जो इस सारी स्लाइड्स में आंसर लगे हुए हैं वो आंसर आपने नहीं कॉग्निसेंस लेनी, वो हमने नहीं लगाए हैं, वो एक बच्चे का जो पेपर लिया उसके लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो वो आपने कॉग्निसेंस नहीं लेनी है, आंसर की अलग से नीचे अटैच्ड है, ठीक है ना? तो वो आपने करनी। सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगले 3-4 दिन थोड़े से टेंस रहने वाले हैं, आप एनालाइज करोगे, बट स्टे काम, एनालाइज इट, लर्न फ्रॉम इट, एंड लेट अस सी व्हाट इज द कट ऑफ। एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक कि आप सबका प्री क्लियर हो, है ना? मैं एज अ टीचर तो यही चाहूँगा कि सबका क्लियर हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आपने पूरी शिद्दत से तैयारी करी है तो आप डेफिनेटली यू विल मेक इट टू दिस फाइनल्स। तो आपका हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो वी विल लर्न फ्रॉम इट एंड नेक्स्ट दे देंगे, लेकिन डिसहार्टन नहीं होंगे, बट वी विल लर्न फ्रॉम ई स्टेप कि हाँ ये मेरा अगर मेरा रह गया तो किस वजह से रह गया, मुश्किल तो सबके लिए था, मैंने क्या गलती करी, है ना? और आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई विल इम्प्लीमेंट इट नेक्स्ट ईयर। हो गया तो भगवान का हम थैंक्स करेंगे और अगले मेंस की तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आने वाले टाइम में हम आपको एक मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज मैं करूँगा, तो वो हम आगे लेके आएंगे, तो वी विल बी देयर विद यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।